देखो भाई, हमें लास्ट टास्क के अंदर ना जो तुम्हें लास्ट टास्क जो मेन बात थी वो थी मेरे पास, एक होती है कैपिटल क्या होती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ठीक है, ये मेन बात थी लास्ट क्लास की। आज हम बात करें उसमें, देखो लाइबिलिटीज क्या होती है, असेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, ठीक है। तो जिससे मान लो सबसे पहले बात करते हैं भाई, असेट्स क्या है भाई, असेट्स अगली बात मेरे पास है लाइबिलिटीज, फिर एक्सपेंडिचर है, और अगला में बस है इनकम, ठीक है। अगर भाई असेट्स की बात करते हैं, जितनी भी संपत्तियां होती हैं, ठीक है, जितने भी पास, जैसे मान लो कि बिल्डिंग हो गई, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह होते हैं ना मेरे पास, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक, और स्टॉक वगैरह हो गया, सबके बारे में एक अगर बताऊँ क्या होती है। सबसे पहले मेरे पास ना नॉर्मली अगर हम असेट्स की बात करते हैं, असेट्स भाई मैं देखो पहले तो मैं ना लाइबिलिटी के बारे में बताऊँ, लाइबिलिटी समझ जाओगे आसानी से। सबसे पहले मेरे पास है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पहला वर्ड मेरे पास है क्रेटर। भाई क्रेटर वो पर्सन होता है जिससे मैंने सामान खरीदा उधार पे, बस मारिए, जिससे मैंने सामान उधार पे खरीदा या फिर मैंने उससे पैसे लिए हैं, ठीक, उसे बोलते हैं क्रेटर्स। जैसे मान लो कि भाई मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो मैं सामान जो है कहीं ना कहीं से खरीदूंगा जरूर, और जहां से सामान खरीदूंगा ना, तो नॉर्मली उसे क्या बोलते हैं कि मैं उससे हर बार कैश में तो खरीदूंगा नहीं, कभी कभार खरीदूंगा उससे उधार में। तो उधार में जब खरीदते हैं ना उसकी बोलते हैं परचेज, अच्छा खरीदने को परचेज बोलेंगे, ठीक है, परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक। तो जब भी उधार पर खरीदते हैं तो वो जो सामने वाला बंदा जिसको मैं पैसे दूंगा उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। अब अगली बात मेरे पास है, मैं इस मालूम बैंक लोन लिया मैंने, ये मेरी लाइबिलिटी है, या फिर मान लो कोई सा अदर लोन, और कोई सा लोन हो सकता है, ठीक, ये चीज है मेरे पास क्या भैया, इन सबको हम लाइबिलिटीज बोल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे ना जो जो आई सुनते साथ बताता रहूंगा, तो वैसे बता रहा हूँ बस ना, जो लाइबिलिटीज ये चीज होती है। अब लाइबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, दूसरी वैसे होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। पहली क्या है बस भाई, पहली करंट है, ठीक, दूसरी बस है नॉन करंट, ठीक, नॉन करंट है। तो करंट लाइबिलिटी क्या होती है और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है। करंट लाइबिलिटी वो है जो एक साल से कम के अंदर हम पे कर देते हैं, ठीक है, एक साल से कम के अंदर हम क्या पे कर देते हैं, ठीक, उसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज, ठीक। सेम उसी तरीके से हम अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, जो करंट नहीं है, एक साल से ज्यादा समय के लिए होती है। जैसे मान लो भाई मैंने अगर किसी से सामान खरीदा ना, तो क्रेटर, ठीक, इसको नॉर्मली 2 से 3 महीने के अंदर पे कर दूंगा इसको, तो इसको बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। फिर वैसे बैंक लोन, भाई बैंक लोन लंबा होता है, ठीक है। तो अब ना कुछ बातें बता रहा हूं मेरे पास क्या होता है, अगली चीज मेरे पास है बिल्स पेबल। भाई बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, तो अब मैं ऐसा होता है कि भाई कहीं हम ऐसी जगह से सामान खरीदते हैं जिस बंदे को हम पे भरोसा नहीं है, ठीक है, मान लो मैं कहीं ऐसी जगह का सामान खरीदेंगे जिसको मेरे भरोसा है नहीं, तो वो ऐसा बोलता है कि भाई तक मुझे तेरा भरोसा नहीं है, तो तू एक काम कर कि जो है ना बिल बनवा ले, ठीक है, एक ना कानूनी कागजात होते हैं तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। ये बिल्स पेबल एक मेरे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि भाई तेरे को पे करना है किसी को। जैसे मान लो कि मैंने सामान खरीदा कहीं से, ठीक है, सामान अगर मैं खरीद रहा हूँ तो उस खरीदे हुए सामान पे मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो जो भी मैं पेमेंट करूंगा ना, ठीक, तो उस बिल्स के हिसाब से करूंगा, बिल में जितना लिखा हुआ उतनी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अब भाई मेरे पास कुछ चीजें और भी हैं, अगली बात करते हैं असेट्स के बारे में, ठीक है। तो भाई जो मेरे पास असेट्स हैं, इसको भी जैसे मैंने बोल दिया कि लैंड हो गई, ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये जितनी भी चीजें ना भाई हम इसे बोलते हैं असेट्स बोलते हैं, ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक, प्लांट वगैरह होते हैं ना, ये सारे सारे अच्छा प्लांट ना कोई इक्विपमेंट ही होते हैं, मतलब बोलते हैं पानी का प्लांट है, तो इस तरीके से मशीन वगैरह, तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर बात करें बस ना भाई, जो असेट्स हैं दो तरीके की होती है, पहला बस भाई इसको बोलते हैं करंट असेट्स, दूसरा बस है नॉन करंट असेट्स, ठीक। तो करंट असेट्स वही होती हैं जिससे मान के चलो कि जो कुछ टाइम के लिए, ठीक, तो उसका एग्जांपल बता रहा हूँ क्या क्या होता है।
करंट असेट्स है मेरे पास। भाई करंट असेट्स का मतलब है जो मेरे पास क्या है, नॉर्मली बोले तो कुछ महीने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहला था, पहले वैसे डेटर, ठीक है। डेटर क्या होता है भाई, डेटर हमारे पास एक ऐसा पर्सन होता है जो कि, देखो जैसे मैं तो क्रेटर, क्रेटर वो पर्सन है जिससे मैंने सामान उधार पे खरीदा, ठीक है। अब मैं उसको पे करूंगा, मैं उसको पैसे दूंगा, उसको बोलते हैं क्रेटर। अगली चीज मेरे पास उसको बोलते हैं डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है भाई कि एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिससे तुमसे नॉर्मली से बोलूं कि जिसको मैंने सामान बेचा उधार पे, अब पैसे देगा मेरे को वो। मान लो कि एक कोई इंसान था राम नाम का, ठीक है, मैंने क्या किया उसको ना सामान बेचा और उधार में बेचा, तो पैसे देगा ना बाद में मेरे को, उसको बोलते हैं डेटर, ठीक है। तो सबसे इसका बड़े एग्जाम्पल क्या भाई, डेटर है। अगला मेरे पास है बिल्स रिसेबल। भाई मेरे पास देखो जैसा बिल्स पे वाले ना, सेम तरीके से उसका बिल्स रिसेबल होता है। बिल्स पेबल के अंदर हमें पे करना होता है, और जो बिल्स रिसेबल है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पैसे आने होते हैं कहीं से, ठीक है। अब मेरे पास अगली चीज है, करंट के बारे में बता दिया। अगला मेरे पास है नॉन करंट असेट्स, ठीक है। नॉन करंट भाई, नॉन करंट क्या होता है, जो लंबे टाइम के लिए होते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास, इसको ना फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, जो मेरे पास ना नॉन करंट है। नॉन करंट के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे मेरे पास पहला है फिक्स्ड, इसके अंदर ना इसके पार्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड असेट्स। भाई जो मेरे पास जो फिक्स्ड असेट्स है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, फिक्स्ड का सिंपल सा मतलब है जो एकदम एक बार खरीद लिया तो लंबे समय तक रहेगा वो। जैसे मान लो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक। भाई इस फिक्स्ड असेट्स के अंदर भी ना अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिक्स्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक वैसे टेंजिबल, दूसरा वैसे इनटेंजिबल, ठीक। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टेंजिबल है, अगला है इनटेंजिबल। भाई टेंजिबल वो होते हैं जिसको टच कर सकते हैं, ठीक। और जो इनटेंजिबल है जिसको टच नहीं कर सकते, ऐसे असेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं टैंजिबल, ठीक है। और ऐसे असेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनटैंजिबल, ठीक है। भाई अगर मैं तुम्हें टैंजिबल के एग्जांपल दूं, लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, कार, ये सारे बस का भाई, इस मान लो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक, इसको क्या बोलते हैं टेंजिबल। अगर अगली बात करते हैं बस भाई इनटेंजिबल, इनटेंजिबल का मतलब क्या निकल के आता है, इनटेंजिबल असेट्स मेरे ऐसे असेट्स हो जाते हैं जो कि जिसको नॉर्मल टच नहीं कर सकते। सबसे पहला ब्रांड वैल्यू, ठीक है। भाई जो भी कंपनी वगैरह होती है ना उन सबकी क्या है, ब्रांड वैल्यू होती है, ठीक। दूसरा मान लो ट्रेडमार्क, ठीक। अगली चीज मेरे भाई गुडविल। देखो तो मैं ना इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहला मेरे पास बोलते हैं पेटेंट राइट, पेटेंट राइट। भाई पेटेंट राइट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि जब कोरोना की वैक्सीन बनी थी, ठीक है, उस जब वो वैक्सीन बन गई उसका सबसे पहला हक किसके पास था, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटेंट राइट बोलते हैं। जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि देखो जब कोरोना की वैक्सीन बनी होगी तो उसका फॉर्मूला किसी के पास होगा, ठीक है। अब उसी फॉर्मूले को बेचेगा, उस फॉर्मूले से जितनी डोज बनेगी, ठीक है, पर डोज के हिसाब से उसके पास क्या पैसे आते हैं, उसे बोलते हैं पेटेंट राइट। उसने ना अपने नाम पे उसको करवा रखा है। जैसे मान लो कि इन फ्यूचर अगर ना तुम कोई चीज बनाते हो, ठीक है, और एकदम यूनिक चीज है वो, अगर तुमने उसको ना पेटेंट राइट करवा रखा है तो अब जो भी इंसान बनाएगा ना उसकी उसके तुम्हारे पास पैसे आते रहेंगे। जैसे मान लो बुक होती है, ठीक है, मान लो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक होती है, तो 9th पढ़ी होगी ना आराम से, 9th 11th 12th पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक ना किसी ने पहले पेटेंट राइट ले रखा है पहले से, और वो जितनी कॉपी छपती हैं उनके हिसाब से पैसे आते हैं लोगों के पास, ऐसा होता है जिसके पास पेटेंट राइट है, ठीक। अगला मेरे पास है भाई गुडविल। गुडविल क्या होता है, एक कंपनी होती है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ना गुडविल का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बोला दो पिज्जा की शॉप है, एक डोमिनोज वाला है, ठीक है, और एक उसी के साइड में कोई नया है, मान लो रामू पिज्जा ऐसा करके, एक के पास डोमिनोज है, अगला मेरे पास क्या है रामू पिज्जा करके, दोनों एकदम दोनों साइड साइड में कुछ चेंज नहीं है। लोग ज्यादातर कहाँ जाते हैं भाई, डोमिनोज के पास। डोमिनोज पे क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां का जो पिज्जा है उसकी उसकी गुडविल अच्छी है, ठीक है, जो डोमिनोज है उसकी गुडविल क्या है अच्छी है,
और जो रामू जो पिज्जा वाला है, अगर उसने मान लो नई नई खोली, उसकी जुड़े छे नहीं, लोग जानते नहीं उसको, जिसकी ब्रांड वैल्यू होती है, जिसका नाम अच्छा चल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो गुडविल भी क्या होती है भाई, एक टाइप की उसके असेट्स है। अगला मेरे पास है जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क। भाई ट्रेडमार्क का मैं तो मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कि अब ना कोई सा ऐसी कुछ भी बना हुआ है, ठीक, उस पे ना एक सिर्फ छोटा सा लोगो लगा होता है, उस छोटा सा जो छोटा सा लोगो है, उस लोगो की वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें ना सिंपल सा छोटा सा मोबाइल दो, ठीक, तो उसे बोलेंगे हाँ ठीक है कोई नहीं। अगर ना वो मान लो एप्पल कंपनी ने उसको लॉन्च किया अपना ट्रेडमार्क लगा के कि भाई ये हमारे हमारा ब्रांड है, तो क्या महंगी बिकती है? ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि ये ना उसे ही बोलते हैं ट्रेडमार्क की वैल्यू। ठीक, मेरे पास अगला है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर है उसका जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं भाई, वो भी मेरे पास क्या है, सेम चीज है। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर मैं कोई सा सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ, तो पता ना क्यों खरीदते हैं, क्योंकि असेट से टाइप की हो। अगर मैं कोई सा भी सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, क्या उसको पैसे मिलते हैं? पैसे में तो भाई उससे काम चल रहा है मेरा। देखो पता है सिंपल सी बात बोले, असेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज जो हमें पैसा कमा के देती है। रियल लाइफ में इसका मतलब ये होता है, और लाइबिलिटी का मतलब है वो जो हमसे पैसे लेते हैं किसी चीजों में। ठीक, इसमें दिक्कत तो नहीं है। और भाई मेरे पास अगला है एक करंट असेट्स। अच्छा, करंट असेट्स के बारे में अगर बोलूँ ना, तो कन्वर्ट इंटू कैश विद इन 12 मंथ्स, जिसको हम क्या भाई 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास ये जो नॉन करंट है, इसको हम 12 महीने से मतलब 12 महीने के बाद, ठीक, कैश में कन्वर्ट होता है। भाई अगला मेरे पास इसको बोलते हैं फिक्टीशियस असेट्स। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझो मेरे पास क्या होता है। फिक्टीशियस असेट्स है भाई, फिक्टीशियस असेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे अच्छा इसका वैसा एग्जाम्पल है कि जो मैंने बहुत ही हैवी एडवर्टीजमेंट करवाया, मान लो जो मेरे पास जो CR7 है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पता है ना, पता नहीं पता, चलो मैं शाहरुख खान की बात करता हूँ, शाहरुख खान है, ठीक, अब हमने उससे एक ऐड करवाया, हमारी कंपनी की जो टोटल वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए है, ठीक है, हमने उससे 6 लाख रुपए का ऐड करवा लिया, सोच रहे हो, 10 लाख पूरी कंपनी है, ठीक, और 6 लाख का हमने उसको ऐड करवा लिया, तो बहुत तगड़ा खर्चा किया हमने एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो अब ये क्या मेरे को, मैं उस ऐड को बार बार चलाता रहूंगा, ठीक है, तो लंबे समय में मेरे पास क्या भाई प्रॉफिट देगा, मेरे को ये चीज बस क्या लंबे समय में मेरे को प्रॉफिट देगा, मैं बार बार ऐड चलाऊंगा, बार बार चलाता रहूंगा, तो इससे क्या मेरे को प्रॉफिट मिलता है। वैसे ही बोल दूं मैं, अगर मेरी कंपनी मान लो 100 करोड़ की है और मैंने उसमें से 60 करोड़ का सिर्फ एडवर्टीजमेंट करवाया, ठीक, तो ये क्या चीज बस भाई, ये लंबे समय में मेरे को प्रॉफिट देगा। तो जो चीज लंबे समय में प्रॉफिट दे ना, और बहुत ही हैवी जो खर्चा होता है, उसी को बोलते हैं फिक्टीशियस एसेट्स। ठीक, इसका एग्जांपल वही मेरे पास है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बोल सकते हैं इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, ये बात समझ आ गई, नहीं आ गई बात? देखो कभी भी हम ना बहुत ही तगड़ा खर्चा करवाएं, इसका एग्जांपल तो एक ही है वैसे, ठीक है, देखो बहुत तगड़ा खर्चा करवाया मैंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ठीक है, मैंने बहुत सारे पर्चे छपवाए, बहुत सारे जितने एक्टर है सबको उठा लिया, ठीक है, कि भाई करो इसका एडवर्टीजमेंट। जैसे ये मान लो जुबान केसरी कोई ऐसा नहीं है विमल, ठीक, तो अब क्या भाई, उसमें पहले स्टार्टिंग में अजय देवगन था, ठीक है, फिर क्या हुआ इसे पकड़ लिया, क्या नाम था, शाहरुख खान को पकड़ लिया, लास्ट में किसको पकड़ा, एक जना और था जो अक्षय को, ठीक है, अक्षय बिकने को राजी नहीं था, उसको खरीद ले, सोचो इतना इतना तगड़ा खर्चा किया, अक्षय जितना पूरी 3-4 मूवी में नहीं कमाता ना, अकेला उसको दे दिया विमल वालों ने, अब बहुत तगड़ा खर्चा किया ना इस पे। अब ये जो उसका ऐड है बार बार चलता रहता है, जब आएगा ना तीनों तीनों आएंगे, ठीक, तो अब भाई जो तीन जने जो पूरा जो मिलकर ऐड कर रहे हैं, ये क्या सीन है, ये बहुत तगड़ा खर्चा किया होगा, इतने बड़े बड़े एक्टर उठाए, ठीक, तो जब भी बहुत हैवी खर्चा करते हैं ना, जिससे हमें ऐसा सा हैवी खर्चा जो हमें फ्यूचर में जाके बेनिफिट देगा, ठीक, ऐसा बहुत बड़ा खर्चा जो फ्यूचर में जाके मेरे को फायदा देगा,
उसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। अगला मेरे पास है रिसीप्ट्स, क्या होते हैं इसको नॉर्मली बोलते हो, पैसों का आना। ठीक, जैसे बोल दो ना मेरे पास एक्सपेंडिचर, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। ठीक, इसमें ना मैं किसी भी चीज के ऊपर खर्चा करूंगा, ठीक, किसी भी चीज के ऊपर खर्चा करूं उसी को बोल देते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरीके से होते हैं, पहले मेरे पास होता है डायरेक्ट खर्चा, ठीक है, पहले मेरे पास क्या है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ये क्या होते हैं भाई, वो सारे के सारे खर्चे जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक, उत्पादन से संबंधित। हम कंपनी चला रहे हैं तो उसमें प्रोडक्शन करेंगे ना, ठीक है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक, तो क्या बोलते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर और रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगला मेरे पास है इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ये क्या होता है भाई, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसके तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई डायरेक्ट एक्सपेंस के। सबसे पहले मान लो मैंने परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अच्छा, तो मैं गुड्स का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है भाई, गुड्स का मतलब है जिस चीज हम डील कर रहे हैं, ठीक, जिस सामान में हम खरीद बेच कर रहे हैं ना, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसको बोलेंगे गुड्स, ठीक है, तो परचेस ऑफ गुड्स हो गया। ठीक, और मान लो सैलरी टू फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन होगा ना, एक होती फैक्ट्री, दूसरा होता है ऑफिस। फैक्ट्री में होने वाला जितने खर्चे हैं ना उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट, और वो सारे खर्चे जो मेरे फैक्ट्री में नहीं हो रहे, ठीक है, फैक्ट्री से बाहर हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे इनडायरेक्ट। ठीक है, ऑफिस के खर्चे क्या होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, और जो मेरे पास नॉर्मल है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो सारे सारे क्या होते हैं डायरेक्ट, एक डायरेक्ट है दूसरा इनडायरेक्ट है। तो मैंने क्या बोला रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक, इसमें पहला होगा परचेस ऑफ गुड्स, सैलरी टू फैक्ट्री वर्कर, वेजेस दिहाड़ी हो गई, ठीक है, फ्यूल का खर्चा हो गया, और उसके बाद जो फैक्ट्री है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारे सारे बस का भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगली बात करूं इनडायरेक्ट में, सैलरी टू ऑफिस वर्कर आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस, ठीक, फिर मान लो मैनेजर को कमीशन दे दिया, डेप्रिसिएशन। अच्छा, जितनी बात है ना एक एक करके सबको बताऊंगा कि हर एक चीज होती क्या है, 2 से 3 दिन ना नॉर्मली इसकी क्लास होती है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट के बारे में पता लग गया, ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे वो सारे ही है। ठीक, अगली चीज पास है भाई इनकम, इनकम हमें जहां से पैसा प्राप्त होता है, जैसे मान लो सबसे पहले मैं बेचता हूँ सेल्स, ठीक है, सेल्स से इनकम प्राप्त हो रही है मेरे को, ठीक है, और अगला मेरे पास क्या हो सकता है कि कोई सा भाई देखो नॉर्मल सेल्स से इनकम आती है, जब कुछ भी बेचेंगे ना सिर्फ बेचने से पैसा आता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, चोरी वोरी को तो गिनते नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये बात समझ आ गई भाई। अब ना मेरे पास एक्सपेंडिचर को ना हमने क्या डिवाइड कर रखा है 2 से 3 पार्ट में, एक तो बता दें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगला मेरे पास है भाई उसको हम पहले बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं समझो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब निकल के आता है ऐसे खर्चे जो हमारी संपत्ति को बढ़ा दे, ठीक है, ऐसे खर्चे जो मेरी जो असेट्स है ना इसको बढ़ा दे, ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, वो सारे के सारे खर्चे जिससे हमारी संपत्ति बढ़ती है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे कैपिटल। ठीक, और अगला मेरे पास है जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं क्या बोला इफेक्ट कहां जाएगा इसका, इफेक्ट ऑन असेट्स, ठीक, एंड लाइबिलिटीज। इसका इफेक्ट कहां देखो असेट्स पे जाएगा और लाइबिलिटी पे, क्यों भाई, जैसे मान लो मैंने कोई सा खर्चा किया तो या तो मैं कोई सामान खरीदूंगा या पहले मैंने कोई सा सामान खरीदा होगा, ठीक है, उस खरीदे हुए सामान की पेमेंट करूं बाद में तो मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाती है। वो खर्चा देखो जिससे मेरे ना असेट्स और लायबिलिटी में फर्क पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अगला मेरे पास है इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक भाई, इसका मैं तो मैं एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो परचेस ऑफ फर्नीचर, फिर परचेस ऑफ असेट्स है कोई से भी असेट्स, मैंने असेट्स परचेस करी तो ये हो जाएगा। और भाई अगला मेरे पास है फिर
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जिसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिसका असेट से लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने इसको किसी को सैलरी दे दी, ठीक है, मैंने कोई सा सामान परचेस कर लिया, जैसे परचेस ऑफ गुड्स, नो इफेक्ट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक। इसका एग्जाम्पल वही बोल सकता हूं मैं, इस बार परचेस ऑफ गुड्स, दूसरा मान लो सैलरी दे दी मैंने, भाई ये सारे सारे ऐसे खर्चे हैं जिसका हमारी संपत्ति पे, असेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। भाई अगला मेरे पास बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोल सकते हैं, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये ना मेरे ना बहुत ही हैवी होता है, मतलब बोल सकते हैं लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये बहुत ही बड़ा खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर भाई, नॉर्मली तो मैं अगली बातें पता होनी चाहिए। अब अगली बात जो मेरे पास है, इनकम की बात करें, जितना हमने टोटल पैसा कमाया है, ठीक है, उस कमाए हुए पैसे में से अगर मैं सारे के सारे खर्चे माइनस कर दूं, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इनकम का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू, इसका मतलब है जो टोटल पैसा आया है उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंडिचर, ठीक, जो हमारी कंपनी में सेल्स करके पूरा पैसा आया है, क्योंकि भाई कंपनी में पैसा सिर्फ सेल करने से आता है, ठीक, सेल करने से जो पैसा आया उस पैसे में से जितने भी खर्चे हुए, जितने भी खर्चे हैं वो सारे माइनस कर दो, जो मेरे पास बच के आएगा हम क्या बोलते हैं इसको, इनकम बोलते हैं, ठीक है। बात सुना रही है नहीं? मैं देखो जो ना नोट्स वाली वीडियो जो थी, जो मैं जिसमें पीछे स्क्रीन चल रही होती है, ठीक है, और उसमें हाईलाइट कर रखा है, उस वाली वीडियो को तो मैंने ढंग से एक बार याद कर लिया, ठीक, उसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में इसके देखता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा मैं इसके। पहले तो पता होना चाहिए असेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, ड्राइंग कैपिटल, ये सारी सारी क्या बातें होती है, नोट डाउन कर लो सब।